हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 2 मीटर। ए जोगर अप्रोचेज कार फ्रॉम बिहाइंड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ इमेज व्हेन जोगर इज 39 मीटर फ्रॉम द मिरर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक जो कार है उसका रियर व्यू मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 2 मीटर। यदि कोई जोगर 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से या स्पीड से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जो इमेज की स्पीड क्या होगी यदि वो जोगर 39 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कंसेप्ट, फर्स्ट जो की कंसेप्ट हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए कि कार का जो रियर मिरर है उसके अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एयर एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कन्वेक्स मिरर। एंड सेकंड जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये दो की कंसेप्ट है, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यदि इसको मैं 1/v को एक साइड लेके जाऊं तो मेरे पास क्या कंडीशन हो जाएगी? 1/v विच इज इक्वल टू 1/f - 1/u। एंड यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास कंडीशन हो जाएगी कुछ इस तरह से। v मेरे पास कितना आ जाएगा? v मेरे पास आ जाएगा f इंटू यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, f इंटू यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, ये किसके इक्वल आ जाएगा? v के इक्वल। अब यदि इसको फर्दर सॉल्व करें, सो हमारे पास v किसके इक्वल आया? v इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। अब इसको क्या कर देते हैं? बाय डिफ्रेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? डीवी बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास एफ इंटू यू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ को बाहर रख लिया, डिफरेंशिएशन किया यू का, ये मेरे पास आ जाएगा डी यू बाई डी टी एंड माइनस du बाई डी टी माइनस du बाई डी टी एंड f इंटू यू आ जाएगा। f इंटू यू डिवाइडेड बाय u माइनस एफ स्क्वेयर, u माइनस एफ स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन? ये हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी। ये किस प्रकार से है? पहले हमने एफ को छोड़ दिया, डीयू बाई डी टी का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर नीचे से यू का डिफरेंशिएशन किया तो ऊपर चला गया माइनस डीयू बाई डी टी एंड मल्टीप्लीकेशन विद एफ यू हो गया, तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? यू माइनस एफ स्क्वेयर। तो ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी। अब यदि मैं लिखना चाहूं कि मेरे पास गिवन कंडीशन क्या क्या है, यदि मैं यहाँ पे लिखूं गिवन गिवन कंडीशन, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमारे पास कितनी है? ये है 39 मीटर। एंड जो हमारे पास फोकल लेंथ है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? r/2 के इक्वल होती है फोकल लेंथ, ये हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर।
एंड जो डीयू बाई डी टी है यानी कि जोगर की वेलोसिटी है ये हमें कितनी दी है, ये हमें दी है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम इसको विद साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू, गिवन वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं हमारे इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी टी, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ की वैल्यू है 1 मीटर। फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स मिरर के लिए वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव में। डीयू बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास -5, एंड माइनस डीयू बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -5, एंड एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 इंटू जो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी 39, एंड विद साइन कन्वेंशन यदि मैं यूज करूंगा तो ये हो जाएगी मेरे पास -39 डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ स्क्वायर। यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यू की वैल्यू है मेरे पास -39, क्योंकि मैं विद साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, एंड जो माइनस एफ की वैल्यू है ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 1। तो अब इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। अब बात की जाए इसके सॉल्वेशन की, तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो डीवी बाई डी टी इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी -5, एंड 39 इंटू -5 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, +195, लेकिन बार माइनस है तो ये मेरे पास आ जाएगा -195 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा -40, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये +1600। जब इसको फर्दर सोल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी -200 डिवाइडेड बाय 1600, जिसको फर्दर सोल्व करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/8, विच इज इक्वल टू 0.12 मीटर पर सेकेंड, -0.12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवलर आ रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारी इमेज भी मूव कर रही है। तो अब यदि बात करते हैं ऑप्शंस की तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर आया था 0.12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे गिवन ऑप्शन है बी ऑप्शन 0.1 मीटर पर सेकेंड, सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।